दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा निर्णय, ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा। ललन सिंह ने खुद बैठक में जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, साथ ही नीतीश को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी रखा। नीतीश कुमार ने ललन सिंह के प्रस्ताव पर सहमति दी, खुद संभालेंगे जेडीयू अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। आज बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही कार में आए थे साथ साथ। ललन सिंह के इस्तीफे से लंबे समय से राजनीतिक गलियारे की कयासबाजी को लगा विराम। शाम को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी और जेडीयू के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे लगभग 5:30 बजे। बैठक में मौजूद जेडीयू नेताओं के अनुसार ललन सिंह के चुनावों के मद्देनजर खुद नीतीश से अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है, हम पहले से कहते रहे हैं और ये स्वाभाविक रूप से सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए इनको बनना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया। विजय चौधरी ने साथ ही ये भी कहा कि इस्तीफे के बाद अब ललन सिंह लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ललन सिंह के किसी भी तरह के मनमुटाव से इनकार किया, बोला हम साथ साथ 48 साल से और हम भी 48 साल से साथ। ललन सिंह उनके सारथी रहेंगे या नहीं रहेंगे? साथ दोनों साथ, हम साथ साथ हैं। जेडीयू के बैठक के बाहर गूंजे नीतीश के नारे, कार्यकर्ताओं ने लगाया नारा, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू में राजनीतिक हलचल के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर से दोहराया, नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद। राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व ने साफ तौर पर कहा है, प्रदेश में भी पूरी सहमति है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई समझौता नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी बोले, अगले चुनाव में लालू नीतीश मुक्त बिहार हमारा लक्ष्य। इतना जनता यही चाहती है कि बिहार अब नीतीश मुक्त हो, बिहार मुक्त हो। 40 की 40 सीट। पीएम के अयोध्या दौरे की तैयारियां, कल जाएंगे 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की अयोध्या को देंगे पीएम सौगात। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा रामनगरी का एयरपोर्ट, नागर शैली में तैयार एयरपोर्ट में दिखेगी रामकथा की झलक। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी 30 दिसंबर को पीएम करेंगे उद्घाटन, 2 नई अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। उद्घाटन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, राम मंदिर की तरह बनाया गया है स्टेशन। सीएम का अयोध्या दौरा, तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ कर रहे थे, बाद में अफसरों के साथ बैठक करेंगे। रामति जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आज रामलला की मूर्ति के चयन को लेकर बैठक हुई, 3 कलाकारों की बनाई गई मूर्तियों पर निर्णय हो चुका है, अब परिणाम का इंतजार है। अयोध्या में साज सज्जा की खास तैयारियां, डिजाइनर गुलाब भी राम नामी एक गुजराती युगल ने गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों पर उगेर दिए राम के चित्र और कई तरह की पेंटिंग्स। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जुड़ेंगे पीएम मोदी, करेंगे पूजन अर्चन। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान निभाई जाएगी नेत्र मिलन की रस्म, पीएम मोदी हटाएंगे रामलला की मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी, भगवान का सबसे पहले शीशे पर दृष्टिपात होगा। पीएम रामलला की आंखों की पट्टी हटाने के बाद शीशे में देखते हुए सोनू की सलाखा में उनकी आंखों में लगाएंगे शहद और घी, भगवान की प्रथम दृष्टि मानी जाती है तीक्ष्ण। भक्तिभाव में डूबी अयोध्या में स्वच्छता से जुड़े डिप्टी सीएम केशव, आगामी चुनाव में यूपी में 80 और देश में 400 से अधिक सीट पर दावा किया। घर में खुशहाली पहुंचे,
बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। कितना एक्सपेक्टेड सीट हम समझे? हम तो उत्तर प्रदेश में 80-80 जिताएंगे और देश में 400 पार होंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई अयोध्या, दुकानों घरों के दरवाजे राम भक्ति के भाव से जुड़ी पेंटिंग्स का जगह जगह दृश्य। एयरपोर्ट के पास दीवारों पर उकेरी जा रही है रामकथा, मनमोहक पेंटिंग पर दिया जा रहा है जोर। राम मंदिर के लिए लगाए जा रहे पत्थरों पर की जा रही है नक्काशी, बड़ी संख्या में श्रमिक महिलाएं भी काम में जुटी। वाराणसी में रामलला के लिए कारीगर तैयार कर रहे हैं यज्ञ पात्र, अरणी मंथन और मंडप पर लगने वाला गदा बना दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच मुरादाबाद में बड़ा मूर्तियों का व्यापार, राम सीता की ब्रास की मूर्तियों की बढ़ गई अचानक से मांग। नव वर्ष से पहले बढ़ गया सर्दी और कोहरे का प्रकोप, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग की हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में 31 दिसंबर तक के लिए घने कोहरे की चेतावनी। दिल्ली और एनसीआर में लगातार गिर रहा है तापमान, 8.4 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान, हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा। घने कोहरे और सर्दी को लेकर नोएडा में 12वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद किए गए, मेरठ गाजियाबाद में भी 8वीं तक की कक्षाएं बंद। श्रीनगर में ठंड कोहरे से लोग परेशान, कोहरे ने और बढ़ा दी मुसीबत। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में छाया, सीजन का सबसे घना कोहरा, 10 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। उत्तर भारत के राज्यों में सुबह से घना कोहरा, कम विजिबिलिटी के चलते सड़क पर रेंग रही थी गाड़ियां। पंजाब के गुरदासपुर में कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, धुंध के कारण कामकाज प्रभावित। कोहरे की चादर से ढक गया बठिंडा, बढ़ती ठंड के साथ तापमान गिरा, विजिबिलिटी काफी कम। यूपी के झांसी में घना कोहरा, सड़क रेल यातायात प्रभावित, बड़ी कड़ाके की ठंड। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना मुसीबत, सड़क हो या रेलवे ट्रैक सभी कोहरे से ढके। घने कोहरे की चादर में लिपटा है जयपुर, कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम। हैदराबाद में घना कोहरा, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। चंडीगढ़ में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लाइटें जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। गाजियाबाद में घने कोहरे का प्रकोप, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मेरठ में घने कोहरे से बढ़ गई मुश्किलें, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को सफर करने में परेशानी। मसूरी में न्यू ईयर से पहले विंटर कार्निवल की धूम, हेरिटेज गाड़ी समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, घने कोहरे के बीच सुरक्षा बल रिहर्सल करते दिखे। शिमला विंटर कार्निवल में डॉग शो का आयोजन, बड़ी संख्या में कुत्ते लेकर पहुंचे लोग। मेरा गांव मेरा देश में अब खेलों की बात, श्रीनगर में खेल और इंडिया कार्यक्रम के तहत रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। कच्छ में पर्यटकों के स्वागत की विशेष तैयारियां, धोर्डो में टेंट सिटी बनी आकर्षण का केंद्र। तेईस और 31 दिसंबर को कोलकाता में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व सीबीआई ऑफिसर और पूर्व टीएमसी मंत्री उपेंद्र बिस्वास से मिलेंगे। यूपी की तरह राजस्थान में भजनलाल सरकार का निर्णय, जयपुर में गोगामेड़ी हत्याकांड में आरोपी रोहित राठौड़ के ठिकाने पर चला बुलडोजर। ममता ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, बोली बीजेपी सीए पर लोगों को गुमराह कर रही है, राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
कटाक्ष किया। उधर हेमंत सोरेन ने राम मंदिर पर भी बयान दिया, बोले न्योता आएगा तो हम जाएंगे अयोध्या, हम सेक्युलर हैं, हम चर्च गुरुद्वारा मस्जिद सब जगह जाते हैं। ईडी के समन को लेकर हेमंत सोरेन का बयान, कहा मैं भगोड़ा नहीं हूं, कानून के तहत कार्रवाई हो। हमारे देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट के अब तक कुल 157 मरीज मिले, जगह जगह से आ रहे हैं कोरोना के केस। नांदेड़ में कोरोना ने दस्तक दी, कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिले। ओडिशा में कोरोना के 3 और मरीज मिले, राज्य में अब तक कुल मरीज हुए 8। दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले कोरोना के लिए स्पेशल ICU बनाई गई, सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है।